जगह जगह पर लगे हुए हैं पुलिस के चेकिंग पॉइंट। उसके बाद भी चली दिन दहाड़े जबलपुर में धनाधन चली गोलियां। तो वहीं लोगों का कहना है कि पुलिस सिर्फ गरीबों के चालान काटने में मस्त है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत गोपाल सदन के पास दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब मोटरसाइकिल में सवार तीन नकाबपोशों ने एक युवक पर धनाधन फायर कर दिए। आरोपियों ने लूट के उद्देश्य से युवक पर फायरिंग की थी। फायरिंग के दौरान अच्छी बात यह थी कि बैग में रखी माँ लक्ष्मी की किताब को पीड़ित युवक ने आगे कर दिया, जिसके कारण उसे गोली नहीं लगी। इधर घटना के बाद मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक चंडाल भाटा में अखिल खंडेलवाल की किराने की दुकान है। अखिल खंडेलवाल ने गोदाम के कर्मचारी अमित राजपूत को एक बैग में 2,20,000 रुपए दिए और कहा कि इस बैग को घर में दे आओ। कर्मचारी अमित राजपूत जैसे ही आदित्य कॉन्वेंट स्कूल गोपाल सदन के पास पहुंचा, तभी पहले से घात लगाकर बैठे तीन नकाबपोश युवकों ने उस पर गोली चला दी। बचने के लिए अमित ने किताब को आगे किया तो गोली किताब को छूकर निकल गई और वह बाल बाल बच गया। लॉकडाउन का उठाया आरोपियों ने फायदा, सूनी सड़क पर रोका कर्मचारी को। अमित ने पुलिस को बताया कि वह जैसे ही रुपए लेकर गोपाल सदन के पास पहुंचा, तभी उसके पास अचानक तीन युवक मोटरसाइकिल से आए, जो कि मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे। जिस स्थान पर आरोपियों ने अमित को रोका था वह लॉकडाउन के चलते सुनसान था, उसी का फायदा उठाकर बाइक में बैठे तीन युवकों ने उसे देखते ही फायर कर दिया, जिससे वह डर गया और पास में रखे बैग को ही बचाव के लिए सामने ले आया। आरोपियों को पकड़ने पुलिस ने की नाकाबंदी। दिन दहाड़े हुई फायरिंग की जानकारी लगते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी, कोतवाली टीआई सहित अन्य पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा को अवगत कराते हुए पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई और आरोपियों को ढूंढने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। वही अमित राजपूत की किस्मत अच्छी थी कि उसके पास जो बैग था उसमें माँ लक्ष्मी की किताब रखी हुई थी। कहा जा सकता है कि माँ लक्ष्मी ने ही आज अमित राजपूत की जान बचा ली, नहीं तो उसके साथ एक बड़ी घटना घट सकती थी। बहरहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जी यहाँ पर मैं डायरेक्ट गोदाम से आ रहा था घर के लिए भैया के, तो यहाँ पर तीन बाइक सवार थे, एक उतरा और मेरे ऊपर गोली चलाया। तो वो तो अच्छा है कि लक्ष्मी माता साथ में थी तो इन्होंने बचा लिया मेरे को। डायरेक्ट कॉपी में गोली लगी और मतलब अपन को छू नहीं पाई गोली। रंजिश की क्या? जी सर मेरी कोई रंजिश नहीं है किसी से, मैं तो बस भैया के पास आता हूँ, जॉब करता हूँ और सीधे घर निकल जाता हूँ। क्या काम करते हैं? ये तेल और शक्कर की शॉप है अखिल ट्रेडर्स, इसमें मैं जॉब करता हूँ भैया के। कहाँ का मामला है ये? अपना गोपाल अपना आदित्य कॉन्वेंट गोपाल सदन के पास में। कितने बजे घटना है? ये 12:30 बजे करीब। 12:25 ये मैं गोदाम से और भैया के घर जा रहा था। चंडाल भाटा नगर से घर है अपना गोपाल सदन में, वहाँ के लिए जा रहा था मैं। आपका नाम? अमित शहरा। फरार हो गया क्या? जी सर मारने वाला फरार हो गया, वो बाइक से था। नाम बताइए। जी अमित राजपूत। आपके पास आ जाओ। अखिल ट्रेडर्स के नाम से चंडाल भाटा ट्रांसपोर्ट नगर में गोदाम है अपनी। तो ये लड़का 12:25 में करीब यहाँ से निकला होगा, वहाँ से 2,20,000 रुपये कैश ले गए, घर जा रहा था, घर से फिर ये बैंक जाता है। तो इसके साथ यहाँ पे घटना घटित हुई। अपना तीन लड़के खड़े थे, अपना पैशन प्रो, काली कलर की पैशन प्रो थी शायद। तो एक लड़का इनके पास दौड़ते हुए आया और अपना उनके पास माउजर था कि क्या था अपना, कि देसी कट्टा था, इन्होंने फायर कर दिया अपना। तो वो तो इनके बैग के आगे अपना एक वसूली वाली कॉपी होती है डायरी मोटी वाली 220 पन्ने के, तो उससे ये बच गए अपना, कुछ हानि नहीं हुई। तो ये तुरंत अपना लड़खड़ा के बिना अपना घर गया, अपना तुरंत घर यहीं अपना पास में गोपाल सदन में। तो इनने फिर अपने को फ़ोन किया अपना, फिर पापा भी नीचे थे अपना, फिर अपन ने अपना नगर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव जी को फ़ोन किया अपना, क्योंकि अपनी दुकान उन्हीं की वहीं पे है, उनको घटना का अवगत कराया। फिर उनने TI साहब को फ़ोन लगा के अपना तुरंत बुलवा लिया यहाँ पर। तो लूटपाट के इरादे से अपना घटना की गई होगी। अखिल खंडेलवाल गोपाल सदन के लिए आ रहा था। गोपाल स्कूल है। अखिल खंडेलवाल जी का शक्कर का और तेल का गोडाउन चंडाल वाटर ट्रांसपोर्ट नगर में बना हुआ है। उनके कर्मचारी हैं अमित राजपूत। ये आज गोडाउन से लगभग दोपहर 12:30 बजे के आसपास मोटरसाइकिल से अपने सेठ जी घर अखिल खंडेलवाल के घर पर आ रहे थे। उसी समय यहाँ गोपाल सदन रोड पर
एक बाइक पर तीन अज्ञात लड़के थे जिन्होंने ब्रेकर पर जैसी गाड़ी स्लो हुई उसी समय इनके ऊपर फायर किया, और फायर करने के बाद में इन्होंने देखा तो ये अमित राजपूत जो है सीधे अपने घर की तरफ भाग गए, लड़के भी भाग गए हैं। अज्ञात लोग कौन थे उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी किया जा रहा है, केस रजिस्टर्ड किया जा रहा है। एक्चुअली बैग के अंदर एक मोटी बही टाइप की डायरी रखी हुई थी और गोली उसी वजह से स्लिप हो गई है, वो कोई चोट वगैरह नहीं आ पाई उस वजह से, मतलब कोई जानहानि नहीं हुई है। आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।